Hello everybody, welcome to Smart Unlock YouTube channel. Smart Unlock mean apna mobile apna solution. Smart Unlock, thank you for subscribing. Subscribe कीजिए Smart Unlock YouTube channel को और आपको notification मिलते रहेगी flashing and unlocking technology videos के बारे में. तो चलिए स्टार्ट करें. आज जो वीडियो ट्यूटोरियल मैं बनाने जा रहा हूँ साइटसिंग मेथड से सैमसंग का FRP बाईपास यानी गूगल वेरिफिकेशन बाईपास कैसे करनी है आपको. तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो को फॉलो करें, आपका जो प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व हो जाएगी. तो फर्स्ट आपको वेबसाइट से एक ऐप्स डाउनलोड करनी है. तो देखिए ये मैंने ये ब्लॉगर बनाया है और इसमें से आप ये APK डाउनलोड कर सकते हैं. ब्लॉगर का नाम है फ्लैश फाइल जोन, ठीक है. तो इस लिंक के अंदर आप ओपन करें और इसमें से ये जो बटन है ऑल FRP अनलॉक ऐप ये टैब में क्लिक करें और इस पेज के नीचे आइए और नीचे देखिए क्विक शॉर्टकट मेकर 2.4.0 APK जो है आपको डाउनलोड करनी है. तो मैंने डाउनलोड बटन पे क्लिक किया और देखिए डाउनलोड शुरू हो गए. तो डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करनी है देखिए. देखिए डाउनलोड कंप्लीट हो गया है यहाँ पे और इसको कॉपी करें. तो कॉपी करके मैं फर्स्ट डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ, ठीक है. ये देखिए डेस्कटॉप पे मैंने सेव किया और उसके बाद आपको आपका जो डिवाइस है उसको साइट सिंक से कनेक्ट करना है USB केबल के द्वारा. ये देखिए डिस्प्ले में गूगल वेरिफिकेशन शो हो रहा है और मैंने USB केबल जो है वो कनेक्ट कर दिया और देखिए यहाँ पे एक विंडो ओपन हो गया केबल कनेक्ट करने के बराबर, ठीक है. तो देखिए आपका जो मोबाइल का इंटरनल डिवाइस है ये देखिए फ़ोन मेमोरी वो ओपन हो गए कनेक्ट करने के बाद. और ये जो क्विक शॉर्टकट मेकर ऐप्स आपने डाउनलोड किया है वो ऐप्स को डाउनलोड फोल्डर में यानी मोबाइल इंटरनल डिवाइस डाउनलोड फोल्डर में आपको पेस्ट करनी है, ठीक है. तो देखिए यहाँ पे मैंने ड्रैग करके पेस्ट कर दिया. इसके बाद आपको PC का काम ख़त्म, ठीक है. अब आपको सब कुछ मोबाइल स्क्रीन में ही सॉल्यूशन होगी. तो फर्स्ट मैंने गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन किया, नो थैंक्स. और देखिए यहाँ पे ओके कर दिया मैंने. नीचे टिक मार्क देनी है आपको और उसके बाद नेक्स्ट. और देखिए ये साइट सिंग का लोगो आया है और उसमें सर्च बटन वहाँ पे आपको सर्च करनी है ES फाइल एक्सप्लोर. जब भी आप ES फाइल टाइप किया देखिए नीचे आ गए ES फाइल एक्सप्लोर और ये ES फाइल एक्सप्लोर को आपको डाउनलोड करनी है.
तो मैं अभी डाउनलोड करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, डाउनलोड करने के समय आपको सैमसंग अकाउंट क्रिएट करनी है। अगर आपको ऑलरेडी सैमसंग अकाउंट है तो आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पे, नहीं तो आप सैमसंग अकाउंट अदर्स डिवाइस यानी कंप्यूटर से भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अभी मेरा जो सैमसंग अकाउंट है वो मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे। आप अपना सैमसंग आईडी जो है वो मेंशन करना, ठीक है। तो उसके बाद लॉगिन करना। लॉगिन करने के बाद ही आप ES फाइल एक्सप्लोर को डाउनलोड कर सकते हो। तो देखिए, यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन आ गए साइन इन करने के बाद, और एक्सेप्ट एंड डाउनलोड ये बटन पे क्लिक करना है और ES फाइल एक्सप्लोर डाउनलोड शुरू हो जाएंगे। देखिए, यहाँ पे शुरू हो गए। डाउनलोड करने के बाद आप इसको ओपन करें, ठीक है। इंस्टॉल तो हो ही गए और अपडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं, कैंसिल कर दो। और अपने जो पीसी सिंक से जो क्विक शॉर्टकट मेकर डाउनलोड फोल्डर के अंदर पेस्ट किया था उसको इंस्टॉल करनी है, ठीक है। तो इंस्टॉल करने के लिए आपको फर्स्ट अननोन सोर्स को इनेबल करना है, उसके बाद ही इंस्टॉल हो पाएंगे ये। तो देखिए, अननोन सोर्स इनेबल करने के बाद क्विक शॉर्टकट मेकर जो है वो इंस्टॉल हो गए और एक विंडो ओपन हो गए यहाँ पे। और इस इनपुट कीवर्ड फिल्टर में आपको टाइप करनी है गूगल अकाउंट मैनेजर, ठीक है। तो देखिए, मैंने गूगल ACC टाइप करने के बाद ही ऊपर में आ गए। उसके बाद एक बार अब बैक की प्रेस करें और पूरे जो अकाउंट मैनेजर जो ऐप वगैरह है वो सब कुछ ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप ये ईमेल और पासवर्ड को सिलेक्ट करना। उसके बाद यहाँ पे राइट बटन में ब्राउज़र साइन इन, ओके। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको ब्राउज़र साइन इन ऑप्शन आ गए। अब या फिर आपका जो नया गूगल अकाउंट है, कोई भी गूगल अकाउंट आप मेंशन कर सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी साइन इन कर दिया मेरा अपना मेल आईडी से, और उसके बाद सब कुछ बैक कर दो। ये मेरे भी बैक करना है, सब कुछ बैक कर दो। नेक्स्ट। तो अभी कनेक्शन चेकिंग हो रहा है, थोड़ा अप टू 2 मिनट तक लग सकता है ये कनेक्शन चेकिंग होने में, तो आपको थोड़ा वेट करना है। आप वीडियो के साथ बने रहिए, आपको ये वीडियो स्किप मत करना क्योंकि आगे भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको देखनी है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे अकाउंट एडिट ऑप्शन आ गए, ठीक है। तो आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है देखिए, तो आप यहाँ पे स्किप कर दीजिए सब कुछ, स्किप और नेक्स्ट करके आप डिवाइस को पूरी तरफ से सेटअप कर लेना। और सेटअप करने के बाद आपको क्या करना है डिवाइस को डिफॉल्ट करने के लिए, मैं दिखाता हूँ। तो देखिए, पूरी तरफ से जो है वो डिवाइस ओपन हो गए। कोई भी पिन वेरिफिकेशन और मेल आईडी वेरिफिकेशन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे अबाउट में जाइए,
और डेवलपर ऑप्शन को आपको इनेबल करना है। डेवलपर ऑप्शन ऐसे ही इनेबल करते हैं, ठीक है। बिल्ड नंबर जो है 3 4 5 6 बार आप क्लिक करें इसके ऊपर, और ये देखिए डेवलपर ऑप्शन ओपन हो गए। और इसके अंदर जाइए और देखिए यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे जो इनेबल ओईएम अनलॉक है वो ट्रिक मार्क आप इनेबल कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद बैक करें और आपको अभी क्या करना है, फाइनली बैकअप एंड रीसेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ, मेल आईडी जो है वो इरेज होने वाला है, टोटली रिस्टोर होने वाला है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और मेरे चैनल पे आप अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लाल रंग पे सब्सक्राइब बटन है, वहाँ पे क्लिक करें और सब्सक्राइब हो जाएगी, ये बिल्कुल फ्री है। और कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट करना, मैं ज़रूर आपका कमेंट कर रिप्लाई दूंगा। तो देखिए ये जो रिस्टोर होने के बाद आपके डिवाइस ऑन होंगे, कोई भी वेरिफिकेशन और कोई भी पैटर्न लॉक कुछ नहीं आएंगे, और आपका डिवाइस जो है 100% अब सॉल्व हो गया आपका प्रॉब्लम। आपको अब नया प्ले स्टोर, नया मेल आईडी, नया पैटर्न लॉक सेट कर सकते हो आप, सब कुछ डिफॉल्ट हो गया है, ठीक है। ये भी स्टेप आपको फॉलो करना है। अभी आपको सैमसंग अकाउंट क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप स्किप और नेक्स्ट करके फिनिश्ड कर दो। देखिए वो जो प्रॉब्लम था वो 100% सॉल्व, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम।